नमस्ते, मैं हूँ चैती। आप अभी एक गुंचा की किचन में हो तो आज मैं साग पकाऊंगी, पर थोड़ी बंगाली स्टाइल में। तो इसलिए मैंने पहले साग को पूरा छोटी छोटी काट ली। देखिए, ऐसे बोलते हैं कि साग को अगर ज़्यादा चुन के काटेंगे ना, मतलब छोटे छोटे में, तो उसका विटामिन खराब होने लगता है, पर टेस्ट भी तो आता है ना, वो भी तो चाहिए ना। तो मैंने सारे साग को काट लिए, लेकिन मेरी दतारी ठीक नहीं है तो थोड़े मोटे मोटे ही आ गए। कोई बात नहीं, साग है, टेस्ट आ जाएगा। हाँ, तो और फिर मैंने ली थोड़ी सी कटी हुई लहसुन, छोटे छोटे टुकड़े में लहसुन, और कटी हुई, हाँ ये है बुरादा, नारियल का बुरादा। मेरे पास ज़्यादा था नहीं, थोड़ी सी ली। आप ज़्यादा डाल सकते हो। कटी हुई प्याज और ये थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी तो है नहीं, रंगदार है, क्योंकि ये मेरे छत पे हुई है और बहुत ढेर सारे रंग बिरंगी हुई है। मैंने इसका वीडियो भी डाली है, कभी आप देख लेना। पूरा सतरंगी मतलब हरी मिर्च हुई है मेरे छत में। और तो फिर अभी देखिए, हम बंगाली लोग ना ज़्यादातर सरसों का तेल में सब कुछ पकाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उससे स्मेल, कलर, टेस्ट, अरोमा अच्छी होती है, कुछ अलग से हटके होती है। लेकिन आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी तेल हो ना उसी को डालिए। आखिर हम लोग को टेस्ट और टेक्सचर ही चाहिए ना, तो वो बन जाएगा। हाँ, साइड में कुछ और पक रहा है, पर उसके वीडियो मैं नेक्स्ट में डालूंगी। नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप स्किप करने लगोगे, तो इसीलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये है पांच फोड़न बोलते हैं हम लोग बंगाली लोग ना, हर मतलब वेज जो होता है पकवान, उसमें ये पांच फोड़न डालते ही डालते हैं। ये एक स्पेशलिटी है, समझिए, बंगाली लोग का। हाँ, तो इसमें डाल दी मैंने फिर छोटी छोटी कटी हुई बैंगन, और फिर डाल दी हरी मिर्च तो पहले डाली थी, हाँ, फिर और थोड़ी सी डाल दी। और बैंगन को काट के थोड़ी थोड़ी देर पानी में डुबो के रखती हूँ, नहीं तो कभी कभी सख्त हो जाता है। फिर लहसुन को डाल दी और फिर प्याज को। ऐसे तो देखिए, इसमें तो ये सब प्याज लहसुन नहीं पड़ता है, पर मैं डालती हूँ क्योंकि ये कुछ अलग सा टेस्ट होता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। है ना। और फिर डाल दी हल्दी, और नमक अभी नहीं डालूँगी क्योंकि नमक पहले डाल देने से कभी कभी बैंगन थोड़ा सख्त हो जाता है। हाँ, तो थोड़ी देर फ्राई होने के बाद ये मैं डाल दूँगी नारियल की बुरादी। और थोड़ा चाहिए था, मेरे पास नहीं है तो मैं थोड़ा कम ही डाली हूँ। आप लोग लेकिन ज़्यादा थोड़ा सा डबल इसका डाल सकते हो। हाँ, और फिर थोड़ी देर इसको फ्राई करने के बाद फिर साग को डाल दी, और साग को डाल मैं ढकूँगी नहीं इसको, बस फ्राई थोड़ी आँच को कम करके थोड़ा सिम में रख के इसको उलट पलट के मैं फ्राई करूँगी, नहीं तो फिर ये अलग सी सकत सकत से हो जाता है ना। फिर इस समय जब पानी सूख जाए तो नमक डाल दूँगी। हाँ, और नमक डालने के बाद थोड़ी देर और चला लूँगी, और बस पानी सूख गया तो काम भी बन गया, हो गया। बैंगन तो पहले ही भून लिया ना, तो कोई बात नहीं, बैंगन भी भून गया है और सब स्मूथ हो गया है। देखिए, गुल मिल गए हैं सब कोई। देखिए, मुझे कुछ पकाना नहीं आता था, जो भी मैं पकवान सीखी है मेरे सास से। हाँ, डांट के साथ ऑफ कोर्स, बट सी वॉज अ लवली पर्सन। अब देखिए, इसका रंग, टेक्स्चर सभी ठीक है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर अच्छी लगे।